नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को लोगो पीएचडी फाइल देने वाला हूँ फ्री में, जो कि एडिटेबल फाइल है दोस्तों। इसको आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, मॉकअप में यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया जो है ये लोगो लग रहे हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया डिज़ाइन आपको फ्री में मिलने वाली है। ये फाइल जो है किस तरीके से डाउनलोड करनी है मैं आप लोग को बता देता हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और ये फाइल जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट है दोस्तों, तो पासवर्ड जो है आप लोग को वीडियो के लास्ट में और बीच में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस तरीके से आप लोग को जो है इसको फाइल को जो है एक्सेप्ट करना है। ये फाइल जो है आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लोगो पैक बाय शुभम सेन, ठीक है। इस नाम से इसको आप लोग को जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आप लोग से जो है यहाँ पर ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो पासवर्ड भी जो है मैं आप लोग को लास्ट में वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर जैसे आप लोग पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, तो आप लोग के सामने एक फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को पूरे जो है लोगो मिलने वाले हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। ये काफ़ी बढ़िया लोगो है दोस्तों, तो इसको आप अपने बेसिक यूज़ के लिए या फिर आपको लोगो बनाते हैं, ठीक है, या आप किसी कंपनी का या किसी भी ऑफिस का लोगो इसमें बना सकते हैं। वन बाय वन मैं आप लोग को ओपन करके बताता हूँ ये पीएचडी फाइल्स, ठीक है। यहाँ पर जो है रॉकेट लोगो है ये, ठीक है। इसको हम लोग खोल लेते हैं फोटोशॉप में। आप लोग किसी भी फोटोशॉप में जो है इस फाइल को ओपन कर सकते हैं दोस्तों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग फोटोशॉप में इसको ओपन कर लिया है, तो आप लोग इसको फोटोशॉप में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी फाइल है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा इसलिए टाइम ये ले रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टीरियो रॉकेट का जो है लोगो है, इसमें आप अपना नेम दे सकते हैं। यहाँ पर ग्रुप बाय जो है बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें चेंजेस कर पाएंगे। कलर चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बैकग्राउंड आप PNG अभी मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग जो है आप रख सकते हैं बैकग्राउंड वगैरह, ठीक है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा जो है ये लोगो है। सेकंड लोगो मैं आप लोग को बताता हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है दोस्तों वो भी, ठीक है। इसमें जो भी लोगो मैं आप लोग को देने वाला हूँ इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको आप अपने बेसिक लाइफ में यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन कलर मीडिया का जो है ये लोगो है, ठीक है। टैगलाइन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। इसका जो है बैकग्राउंड आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसमें बैकग्राउंड दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है इसमें बैकग्राउंड दे देते हैं, वाइट बैकग्राउंड मैंने इसको दे दिया है, तो आप लोग जो है नेम वगैरह चेंज इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लोगों की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट लोगों में आप लोग को ओपन करके बताता हूँ। काफ़ी बड़ी फाइल है दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आप लोग को क्यों ना लोगो इसमें दिया जाए, ठीक है। इसे मैंने पहले वीडियो में वेडिंग कार्ड्स भी दिए थे और थंबनेल्स भी दिए थे, वो भी फ्री में दिया था। ये साइबर आई करके, ठीक है, तो आप लोग साइबर का जो लोगो इसमें आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लोगो मॉकअप की बात बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे लोगो मॉकअप है, ठीक है, इसको कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इस फाइल को हम खोल लेते हैं, काफ़ी बड़ी फाइल है दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है। पहले हम छोटी फाइल को ओपन कर लेते हैं, इसको मैं फ़ोटोशॉप में ले आता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या काफ़ी बड़ी फाइल है, तो फ़ोटोशॉप थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों, ठीक है। कम से कम ये 10 एक सेकेंड तो लेता है एक फ़ाइल को रीड करने में, फिर ये ओपन करके देता है। इसको आप ओके कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटकॉइन करके ये लोगो है, ठीक है। इसका आप जो है बैकग्राउंड जो चाहे आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इसके कलर चेंज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर डिज़ाइन का जो है एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको मॉकअप बताता हूँ, मॉकअप को किस तरीके से आप लोग को यूज़ करना है दोस्तों। ये मॉकअप फाइल है जो कि 147 MB की है, ठीक है। इसको जो है मैंने थोड़ा और कम साइज़ कर दिया था इस मॉकअप का, वैसे तो 200 MB की जो है PSD फाइल हो रही थी, तो इसका जो फालतू चीज़ें थी वो मैंने इसको डिलीट कर दी थी। यहाँ पर की प्लेयर आप कर दीजिएगा, 10 सेकेंड ये लेगा और ये फाइल ओपन हो जाएगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। आप लोग बढ़िया इसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं आप लोग लोगो यार। तो यहाँ पर जो है आप लोग को टेक्स्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर हम लोग को टेक्स्ट डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है फाइल में हम टेक्स्ट डाल देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम लोग एक टेक्स्ट ले लेते हैं, एक न्यू लेयर ले लिया हमने। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं, ठीक है। टाइप कर लेते हैं अपना नाम, जो भी आप लोग का नेम है अपनी कंपनी का ऑफिस का, आप लोग वो टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं शुभम ग्राफिक्स डालता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा फ़ॉन्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ,
जो आपको फॉन्ट पसंद हो आप लोग अपने फॉन्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा मैं नीचे ले जाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सेट था। यहाँ पर अब जो है इस मॉकअप को मैं रेडी करता हूँ, तो आप लोग अब देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से जो नेम है वो मेरे मॉकअप पे सेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पर ये अपडेट कर देगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये बढ़िया सा जो है सेट करके मेरे को यहाँ पर देगा फोल्डर में। जैसे मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने लोगो बनाया था ये वाला, तो काफ़ी बढ़िया जो है इसका लुक लिख रहा था, ठीक है। ये देखेंगे आप कितना बढ़िया जो ये 3D आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। इस फोटो का जो है मैंने कम साइज़ किया है, तब की 15 से 20 MB की जो है फ़ोटो थी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है क्वालिटी है। अब देखते हैं हमारे का जो चेंज हुआ कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, तो इस अपने अकॉर्डिंग जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, जो पूरा 3D लुक देखने को मिल रहा है आपको इस मॉकअप में, तो इसको आप बढ़िया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगो भी दे सकते हैं जैसे मैंने फाइल में आप लोग को बताया था, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को बताता हूँ मैं और कौन से जो इसमें लोगो आप लोग को मिलने वाले हैं इस फाइल में, ठीक है। यहाँ पर मॉकअप का मैंने आप लोग को बताया था। अब हम देखने वाले हैं वाइन से रिलेटेड जो एक लोगो है, ठीक है। यहाँ पर आप एडोब इलस्ट्रेटर में इस फाइल को खोल सकेंगे, ठीक है। AI फाइल भी और PSD फाइल भी जो है आप लोग को मिलने वाली है। छोटी फाइल है ये, ठीक है, छोटा लोगो है। इसको हम ओपन कर लेते हैं PSD फाइल में, ओके कर देंगे हम लोग। और यहाँ पर जो है आप लोग को काफ़ी बढ़िया जो है लोगो देखने को मिलता है फंकी लुक का, ठीक है। इसको जो है अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, इसमें चेंजेस आप लोग बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रेडियंट देना चाहते हैं तो आप लोग ग्रेडियंट भी इसमें दे पाएंगे। हम लोग ग्रेडियंट इस बार सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ बढ़िया सा ग्रेडियंट देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट। तो आप लोग जो है इसमें ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, ठीक है। जो ग्रेडियंट सेट हो आप लोग वो दे दीजिएगा, ठीक है, जिसका जो है इसको और भी अच्छा जो है डिज़ाइन बनाएगी। जैसे ये ग्रेडियंट थोड़ा अच्छा लग रहा है, लाइट है, ठीक है, तो इस पर जो है सेट हो रहा है। जितना हो सके आप लोग अपने हिसाब से अच्छा इसको जो है क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सॉफ्ट कलर का ग्रेडियंट इसमें दे सकते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट लोगों की बात करते हैं। नेक्स्ट लोगों में आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा आप लोग को मैं देने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ी जो है ये आप लोग को फाइल में देने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी लोगों हैं, ठीक है। इसमें टोटल 61 आप लोग को मिलने वाली है फाइल्स हैं। सारी मैं ओपन नहीं करूँगा, जो बेस्ट है वही मैं आप लोग को ओपन करके बता रहा हूँ, ठीक है। वाइन वाली हमने ओपन कर ली थी, अभी हम लोग ओपन करते हैं ये वाली विक्टर वाली करते हैं, विक्टर लेटर वाली, ठीक है। अच्छा, ये जो है एडब्ल्यू स्टेटर में ओपन होगी दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर जो है PSD फाइल ही है, ठीक है। ट्री लोगो है, ट्री लोगो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट का भी जो है लोगो काफ़ी अच्छा है। इसमें AI फाइल भी मिलने वाली है और PSD फाइल भी। ये 1.5-2 MB की जो है फाइल है PSD, इसको भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आप ट्रेंडिंग मार्केट का आप लोग को बढ़िया सा लोगो इसमें देखने को मिल गया है। आप लोग इसमें जो है टैग लाइन दे सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर वाइट है तो वाइट भी आप रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम लोग जो है इसको वाइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लेयर ले ली एक और इसको वाइट कलर कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे बढ़िया सा ये हमारे पास लोगो है। यहाँ पर आप नेम चेंज कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग, तो हम लोग नाम चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। ऊपर वाली जो फाइल है इसका नेम चेंज हम लोग कर लेते हैं, ये जो इसका है नेम है, ठीक है, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसमें नाम कुछ भी दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं शुभम मार्केटिंग इसका नाम रख देता हूँ। यहाँ पर जो है वाइट कलर मैंने सेलेक्ट किया था तभी ये नहीं दिख रहा है, इसको मैं ब्लैक कर दिया हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे ये सेट हो गया, ठीक है। इसका आप साइज़ के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको सेट कर लेगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप टैग लाइन दे सकते हैं, लोगो का कलर चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की जो है आपको लोगो ये फ्री में मिलने वाले, प्रीमियम लोगो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर टोटल जो है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 16 लोगो आप लोग को मिलने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आप लोग को मैंने फ्री में जो है 16 लोगो दिए दोस्तों, आप लोग इसको यूज़ कीजिएगा अपने डिज़ाइन में। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसमें बारे में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे ये लोगो PSD फाइल जब आप लोग इसको ओपन करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी पासवर्ड के लिए आप लोग को मैं बता देता हूँ,
मैं डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर और ईमेल दिया हुआ हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर दिएगा उस नंबर पर, व्हाट्सअप पर या ईमेल पर मुझे मैसेज कर दिएगा, तो आप लोग को जो है मैं जो उसका पासवर्ड है वो आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। बिकॉज मैं क्योंकि इसमें पासवर्ड देता हूँ तो कई लोग क्या फाइल डाउनलोड कर लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए जो है मैंने इस बार इस तरीके की कंडीशन रखी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है निराश नहीं होएगा, आपको पासवर्ड मिलेगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में जो नंबर या ईमेल में दूंगा उस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को पर्सनली इसका पासवर्ड सेंड कर दूंगा, तो आप लोग को जो भी है पूरी पीएचडी फाइल है फ्री में मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।